अभी क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इससे बाय चेंजिंग इट्स लेंथ। तो जो ये यहाँ पे बॉब होता है, तो इसका अगर हमने लेंथ चेंज किया तो उससे इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज होगा। एंड मास एंड साइज ऑफ द बॉब, या फिर इस जो बॉब है, बॉब की साइज चेंज किया तो भी क्या होता कि इसके टाइम पीरियड में क्या होता, चेंज हो जाता है। द पेरियडिक मोशन ऑफ द पेंडुलम इज यूज टू मेक अ पेंडुलम क्लॉक। तो ये जो पेरियडिक मोशन होता है पेंडुलम का, ये पेंडुलम क्लॉक को बनाने के लिए यूज़ करता है। द ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम कंसिस्ट पेंडुलम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो ये जो ऑस्किलेशन होता है पेंडुलम का, ऑस्किलेशन मतलब क्या, मूवमेंट करना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ऐसा। तो ये जो ऑस्किलेशन होता है, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये जो मूवमेंट होता है ना इसका, तो ये मूवमेंट जो है ना कंट्रोल होता है ऑस्किलेशन के जरिए। नाउ डेज मोस्ट क्लॉक्स आर और वॉचेस हैव क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज एक क्या है, मिनरल है, ठीक है, क्वार्ट्ज जो है एक मिनरल है। तो अभी क्लॉक में जो है ना, या वॉचेस में ना, ये मिनरल का यूज़ होता है। विच कैन हाइब्रिड वेरी फास्ट, ये जो मिनरल है जल्दी ही क्या होता है, हाइब्रिड होता है एट वेरी प्रिसाइज रेट, मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा हाइब्रिड होता है क्वार्ट्स। दैट इज़ वाई द क्वार्ट्स क्लॉक आर मच मोर एक्यूरेट देन पेंडुलम क्लॉक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्वार्ट्स क्लॉक है, ये पेंडुलम क्लॉक के कंपेरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट जो है ना टाइम देते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट जो है ना टाइम बताते हैं। अभी जो दिया है आपको एक्टिविटी वन दिया है, एक्टिविटी वन में टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ पेंडुलम। तो इसमें क्या करना है हमें, टाइम पीरियड जो है ना वो मेजर करना है, किसका, पेंडुलम का। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसके मटेरियल कौन से लगेंगे, तो फ्लेक्सिबल थ्रेड, एक थ्रेड लगेगा, बॉल्स ऑफ अ डिफरेंट साइजेस एंड शेप, फिर बॉल्स लगेंगे जो लटकाने के लिए चाहिए ना, बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप के वो लगेंगे, स्टॉप वॉच लगेंगी एंड अ स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है, और ये बुक्स लगेंगे। इसमें अब प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है इसको। मेक अ पेंडुलम बाय हैंगिंग अ बॉल विद द फ्लेक्सिबल थ्रेड ऑफ अ नियरली 1 मीटर लेंथ। तो एक 1 मीटर का आपको क्या करना है, थ्रेड लेना है और इसको बॉल लगानी है, ठीक है। लेट द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मेन पोजिशन, और इसको फिर आपको बराबर रेस्ट पे आने के लिए वहाँ पे बराबर इसको वैसे के वैसे रहने देना है। तो आगे दिया है, मार्क द मेन पोजीशन ऑन द फ्लोर और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। तो फिर क्या करना है, अभी इसका मेन पोजीशन जो है ना मार्क करना है, मेन पोजीशन मतलब जहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेन पोजीशन। मार्क द मेन पोजीशन ऑन द फ्लोर और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, ठीक है। जेंटली डिस्प्लेस द बॉब टू वन साइड एंड रिलीज इट फ्रॉम द डिस्प्लेस पोजिशन। फिर इसको रिलीज करना है, ठीक है, एक साइड की ओर। फिर स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन द बॉब इज एट स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन इट द बॉब इज एट इट्स मेन पोजीशन। इट कैन आल्सो बी डन व्हेन द बॉब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। फिर जैसे आप इसको मूव कराएंगे ना, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा देना, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर देना। मेजर द टाइम द पेंडुलम टू टेक्स, तो आइए दिया है, मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 10 ऑस्किलेशन। तो पूरा मतलब ये यहाँ से जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा, तो ये होता है 1 ऑस्किलेशन। तो ऐसे ही कितने ऑस्किलेशन, 10 ऑस्किलेशन। तो क्या करना है अपने को, स्टॉप वॉच का यूज़ करना है। यू कैन मेजर द टाइम फॉर एनी नंबर ऑफ ऑस्किलेशन।
उसके बाद फिर क्या करना है हमें, डिवाइड द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट 10 ऑस्किलेशन बाय 10 टू गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑस्किलेशन। तो हमें अगर 1 ऑस्किलेशन निकालना है तो जो हमें 10 ऑस्किलेशन के लिए टाइम लगा उसको 10 से डिवाइड करना। रिपीट द अबव एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 1 टेबल गिवन बिलो। और फिर ये जो एक्टिविटी है आपको फ्यू टाइम्स जो है रिपीट करनी है और इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको टेबल में लिखना है। तो यहाँ पे जो टेबल दिया है, टेबल में रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ लेंथ ऑफ हाफ मीटर एंड 1/4 मीटर। फिर उसके बाद क्या करना कि जो आपने स्ट्रिंग लगाया है ना, ये वाला स्ट्रिंग, तो इसका आप लेंथ क्या करना, हाफ कर देना। और उसके बाद दूसरे इसमें इसका लेंथ क्या करना, 1/4 कर देना, ठीक है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द बॉल डिफरेंट साइज एंड वेट फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ द थ्रेड। और डिफरेंट जो बॉल है ना, बॉल भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लेना है, और उसके लिए भी ये जो पेंडुलम का एक्टिविटी है वो करना है। और सबके लिए फिर क्या करना, एक बार 1 के लिए, एक बार हाफ के लिए, एक बार 1/4 के लिए। और तो उसका टाइमिंग होगा ना, तो जो टाइमिंग होगा या उसका टाइम जो है यहाँ पे लिखना है आपको। तो आई क्या दिया है, ऑब्जर्वेशन द टाइम पीरियड इज सेम फॉर 10 ऑस्किलेशन इन ईच केस। तो सब इसमें क्या होगा कि आप लेंगे चाहे कुछ भी रहे, तो हर बार जो टाइम पीरियड रहेगा 10 ऑस्किलेशन के लिए वो सेम ही रहेगा। टाइम पीरियड चेंजेस व्हेन द लेंथ ऑफ द थ्रेड और द वेट ऑफ द बॉल इज चेंज। लेकिन अगर उसमें अगर आपने उसका साइज लेंथ चेंज किया उसकी किसका स्ट्रिंग का, अगर वेट चेंज किया बॉल का, तो वो टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। इन्फ्रेंस द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड मास ऑफ द बॉब। टाइम पीरियड जो है ना वो पेंडुलम के लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, उसका जो थ्रेड है जो आपने लगाया है ना बॉब के लिए ये थ्रेड, तो इसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड होता है। और जो बॉब का मास होगा, जो वेट होगा, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है टाइम पीरियड। क्वेश्चन, अभी एक्टिविटी करते वक्त हमें क्या क्वेश्चन रखना है, फिर क्वेश्चन क्या लिखनी है। द थ्रेड और अ स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब मस्ट बी टॉट वाइल डिस्प्लेसिंग इट। तो ये जो टाइट आपको फिट करना है यहाँ पे, एंड डू नॉट पुश द बॉब वाइल रिलीजिंग इट। जब आपने इसके नीचे जब आप उसको लटकाते हैं ना, तो उसको पुश नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी जिसमें हमने जो सिंपल पेंडुलम है वो बनाया और उससे हमने टाइम का जो मेजरमेंट है वो किया।